क्यों रूस ने कहा वॉर जोन में आतंकियों की तैनाती है खतरनाक। रूस के साथ अपरमेनिया को मिला सर्बिया का साथ और अमेरिका ने क्या चेतावनी दी। विध्वंसक महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध। युद्ध के मैदान में अजरबैजान की सेना के साथ सीरियाई आतंकी भी उतर गए। सीरिया के आतंकियों का ये वीडियो सामने आया है। सीरियाई आतंकियों के निशाने पर आर्मेनियाई सेना है। फ्रंटलाइन पर उतरे सीरियाई लड़ाकों का ये वीडियो लीक हो गया है। काराबाख में आतंकियों की तैनाती पर रूस ने चिंता जाहिर की है। रूस ने कहा है कि युद्ध में आतंकियों के आने से और खतरा बढ़ गया है। युद्ध अभी नहीं रुका तो भीषण तबाही तय है। अजरबैजान के साथ जारी जंग में रूस के बाद आर्मेनिया को सर्बिया का साथ मिला है। सर्बिया ने आर्मेनिया को घातक हथियार दिए हैं। सर्बियाई सेना ने बड़ी जंग की तैयारी करते हुए लाइव फायर वॉर ड्रिल किया है। युद्ध में सर्बिया की एंट्री की खबर से महायुद्ध के और भीषण होने का अंदेशा बढ़ गया है। सर्बियाई सेना ने टैंकों के साथ युद्धाभ्यास किया। सर्बिया की एयरफोर्स ने पूरी तैयारी कर ली है। ड्रिल में फाइटर जेटों ने टारगेट पर जबरदस्त धमाके किए। आर्मेनिया के सैनिकों के पास सर्बियाई राइफल मिलने से अजरबैजान भड़क गया है। आर्मेनिया को हथियार भेजने पर अजरबैजान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। अजरबैजान ने सर्बिया को पुरानी मदद की याद दिलाते हुए आर्मेनिया को हथियार नहीं देने की अपील की है। महायुद्ध में रूस की एंट्री से अजरबैजान के पैर उखड़ने लगे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने कहा है कि युद्ध नहीं रुका तो बड़ी तबाही मचेगी, क्योंकि रूस आर्मेनिया को लगातार विध्वंसक हथियार दे रहा है। रूस ने एक बार फिर जंग रोकने की अपील की है। रूस ने तुर्की को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वो अजरबैजान को उकसाए नहीं बल्कि शांति सुरक्षा के लिए कदम उठाए। बता दें, युद्ध विराम, शांति की अपील और मध्यस्थता का दांव फेल हो गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी है। आर्मेनिया और अजरबैजान को अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि रिहायशी इलाकों में दोनों देश बमबारी न करें। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर लिखा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। उधर फ्रांस ने भी तुरंत हमला रोकने को कहा है। भीषण जंग के बीच आर्मेनिया में एक भारतीय परिवार की दिलेरी सामने आई है। शरणार्थियों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है ये परिवार। परवेज खान अपने इंडियन महक रेस्टोरेंट में शरणार्थियों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। पंजाब के मालेर कोटला का रहने वाला है ये परिवार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।